गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग जेएनवी भावनगर। आई होप एवरीबडी इज डूइंग वेल एंड फाइन। ऑल राइट, तो बच्चों, हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है बायोटेक्नोलॉजी, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर एवोल्यूशन। ओके, सो एवोल्यूशन विल बी द चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू डू नाउ और अंडरस्टैंड नाउ। ठीक है, तो एवोल्यूशन के ऊपर रेयरली क्वेश्चंस आते हैं, जैसे एक दो या तीन क्वेश्चंस आ जाते हैं, बट स्टिल वी आर नॉट सपोज टू लीव दोज क्वेश्चंस, राइट? तो तीन क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, और ये एवोल्यूशन ऐसा चैप्टर है, पता नहीं कुछ बच्चों को बहुत अच्छा लगता है और कुछ बच्चों को लगता है कि अरे ये क्यों पढ़ना है, दिया ही क्यों है। ठीक है, अगर दिल से पढ़ो तो बहुत इजी है, इसमें कुछ ज्यादा इतना मैकेनिज्म्स जानने की जरूरत नहीं है, बहुत दिल के करीब वाला चैप्टर है। बस इसको एक स्टोरी टाइप में समझते जाओ और याद रखो चीजें। ओके, दैट्स ऑल, दैट्स द ट्रिक टू रिमेम्बर दिस चैप्टर। ऑलराइट, अब जैसे बायोटेक्नोलॉजी है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो याद रखनी है, फिर मेथोडोलॉजीज हैं, बट यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। ओके, सिंपल एंड स्वीट। ऑलराइट, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ। तो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज एवोल्यूशन। ठीक है, तो एवोल्यूशन है क्या चीज? ऑलराइट, तो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू कवर ऑल दीज पार्ट्स। लाइक पार्ट वन वुड बी कवरिंग ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। ओके, हम लोग एवोल्यूशन बता रहे हैं कि हाँ भाई, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, बट ये जो प्रोसेस हुआ है, ये जो प्रोसेस हुआ है, ये हम लोग कह तो रहे हैं, लेकिन इसका एविडेंस क्या है? ओके, सी इवन यू नो कोर्ट रिक्वायर्स एविडेंसेस, हर चीज एविडेंस पे चलती है। ठीक है, अगर कुछ भी हम बता रहे हैं तो पूछते हैं कि हाँ भाई, इसका एविडेंस क्या है? ओके, तो एवोल्यूशन का एविडेंसेस भी हम जानेंगे, कुछ थियरीज हैं। ओके, वेरी ब्यूटीफुल थियरीज दैट वी विल स्टडी, एंड देन हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। ओके, इस हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल से तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, एंड देन अ ब्रीफ अकाउंट ऑन ह्यूमन एवोल्यूशन। तो इतना सब कुछ हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। ऑल राइट, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी। तो एवोल्यूशन है क्या चीज? ऑल राइट, सो एवोल्यूशन इज नथिंग बट इट इज एन ऑर्डरली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ओके, एक सिंपल आपको समझ में आने वाली भाषा में लिखा है। देखो बेटा, यहाँ पे मैंने एक आपको पिक्चर दिया है ना? तो इधर आप देख सकते हो एक बंदर है, वो बंदर से कुछ और मॉडिफाई हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, बॉडी भर के बाल थे। ओके, बंदर में देखो पूरे बॉडी भर के बाल थे। यहाँ पे बॉडी का जो डेंसिटी, बॉडी में जो हेयर का डेंसिटी है वो कम होते जा रहा है। ठीक है, फिर वहां पे स्टोन एज आया, फिर मिडल एज आया, तो ये इनके हाथ में जो वेपन्स हैं वो भी चेंज हो रहे हैं। देखो ये तीसरा फिगर जो इंडिकेट कर रहा है, ये स्टोन एज है। ओके, ही कैरी स्टोन्स। ओके, दे यूज टू यू नो प्रिडेट। ठीक है, जैसे कोई डियर है या रैबिट है तो उनके ऊपर ही शिकार करते थे, तो स्टोन से बने होते थे, ये कार्व करते थे, जैसे वेपन्स बनाते थे वो स्टोन से करते थे। ठीक है, इसके आगे इन लोगों ने कुछ इन्वेंट किया, तो इसमें क्या क्या थोड़ा मॉडिफाई किया उनके वेपन्स को, और यहाँ पे देखो ये कुछ जैवलिन जैसा एक स्पीयर बना लिया। ठीक है, ये उसका आगे वाला जनरेशन है। फिर यहाँ पे देखो, इन लोगों को लगा कि हाँ, हमारी बॉडी को ढकना चाहिए, क्योंकि इन ह्यूमंस देयर इज अ सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब क्या है? इन ह्यूमन स्पीशीज यू कैन कंपेयर कि हाँ भाई, लड़की और लड़के में आप फर्क देख सकते हो फिजिकली, दैट इज सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, है ना? अगर कुछ आप आई नो ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल ले लो, तो वहां पे आपको सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म नहीं दिखता। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इज विजिबल, एंड आते आते हम लोग ऐसे हो गए। देखो, बिना फोन के, बिना सेल्फी के कुछ हो ही नहीं रहा है आज के जनरेशन में। तो दिस इज व्हाट, फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर वी आर चेंजिंग, बट इट इज नॉट एन अब्रप्ट चेंज। ये अब्रप्ट चेंज नहीं है, एकदम से सडन चेंज नहीं है, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, बहुत धीरे धीरे होता रहा है, और ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल चेंज है। अब आप ऐसा नहीं कह सकते मैम, हम तो ह्यूमन हो गए, अब वापस हम बंदर बनना चाहता हूँ मैं। अब कोई तो ऐसा कहेगा, तो उसके लिए कोई चारा नहीं है। ह्यूमन रह के बंदर के जैसा एक्ट तो कर सकता है, लेकिन वापस बंदर तो नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये होता है एवोल्यूशन। तो अब हमारा जो बायोलॉजी है, इसमें ब्रांच बना दिया है, एवोल्यूशनल बायोलॉजी या फिर एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, जहां पे आप पढ़ते हो, पूरा स्टडी करते हो हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर जितने भी लाइफ फॉर्म्स आए हैं, वो कैसे आए, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, सब कुछ आप पढ़ोगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द एवोल्यूशन एंड एवोल्यूशनरी बायोलॉजी।
ठीक है, या पढ़ो, ये बहुत वास्ट एरिया है बेटा, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी है ना, जो बहुत वास्ट एरिया है। आप अगर इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो तो आगे जाके आप ले सकते हो। ओके, ये मेरे लिए पर्सनली बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पहली चीज आपकी एनसीईआरटी ने बताई है कि एवोल्यूशन में ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ, लाइफ कैसे आई। देखो तो बेटा, एवोल्यूशन में हम पढ़ रहे हैं कि हाँ भाई, बंदर से हम लोग इंसान बने, लेकिन सबसे पहले ये जानना है कि लाइफ आई कैसे। ठीक है, तो लाइफ कैसे आई वो देखने के लिए कुछ एनसीईआरटी के पॉइंट्स भी लेंगे और कुछ हम अलग से पढ़ेंगे, वो भी है। ठीक है, तो आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है बेटा, आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है, जो एवोल्यूशन में ओरिजिन ऑफ लाइफ तो हुआ है ना, तो ये लाइफ हुआ है एक बहुत बड़े धमाके से। ओके, आप पूछेंगे मैम कैसा धमाका। धमाका हुआ था एक बहुत बड़ा, जिसको हम इमेजिन नहीं कर सकते, मतलब बिल्कुल हमारे इमेजिन के बाहर है। तो ऐसा एक इमेजिन हुआ नहीं कर सकते, वैसा एक धमाका हुआ था। ठीक है, तो उस धमाके को हम नाम देते हैं बिग बैंग थियोरी। ठीक है, आप ऐसा मत समझना कि हाँ, वो एक सीरियल आती है ना बिग बैंग थियोरी, वो डिफरेंट है। ओके, इट्स जस्ट इन कॉमेडी सीरीज, बट यहाँ पे हम लोग साइंटिफिक फैक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बिग बैंग थियोरी की बात हो रही है, ये कब हुआ था। ओके, तो ये क्या कहती है, स्टेट्स दैट यूनिवर्स ओरिजिनेटेड अबाउट 20 बिलियन ईयर्स अगो। ये कह रही है बिग बैंग थियरी कि 20 बिलियन साल पहले ही बिग बैंग हो गया, एक्सप्लोजन हो गया, जो बहुत बड़ा एक्सप्लोजन था। ठीक है, ये कहती है। तो इसके बारे में थोड़ा और डिटेल जानते हैं बेटा हम लोग। ठीक है, जब हम ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करते हैं ना, तो तीन पॉइंट्स आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, पहला तो हम देखते हैं कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ। ठीक है, यूनिवर्स देखना बहुत जरूरी है सबसे पहले, तो जब हम लाइफ की बात करते हैं तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स में आप क्या क्या देखोगे। मैंने बताया ना, ये कौन इसको एक्सप्लेन करता है, बिग बैंग थियरी एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो ये बिग बैंग थियरी ने क्या बताया। ओके, बीबी थियरी। ऑलराइट, तो बीबी थियरी हो गया। तो ये क्या कहता है, 20 बिलियन ईयर्स अगो ही ये थियरी बन गई। ओके, और ये सॉरी थियरी नहीं बन गई, एक्सप्लोजन हुआ था। के एक्सप्लोजन क्या हुआ था, बिग बैंग थ्योरी बताता है 20 बिलियन ईयर्स अगो एक्सप्लोजन हुआ था, और इस एक्सप्लोजन को हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते फिजिकल टर्म्स में। अब देखो बेटा, आप फिजिक्स पढ़ते हो तो आप बता सकते हो कि हाँ भाई, इतने वोल्ट का करंट लगा, ऐसा झटका लगा, इतना कुछ एनर्जी रिलीज हुआ, कुछ एक्सोथर्मिक हुआ, रिएक्शन हुआ, ऐसा ब्ला 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 बहुत कहते हो, है ना। तो यहाँ पे जो हुआ था धमाका, इसको आप इमेजिन नहीं कर सकते फिजिकल टर्म्स में, इसको आप अनइमेजिनेबल भी कह सकते हो। ठीक है, मतलब हमारे इंसान की अकल से बाहर, ठीक है, अनइमेजिनेबल। तो दूसरा हुआ क्या था, अब आप मुझे पूछोगे मैम हाँ, अनइमेजिनेबल तो था, लेकिन हुआ क्या था आखिर, ये तो बता दीजिए। यहाँ पे हुआ था बेटा, जो हीलियम है और हाइड्रोजन जो है, ओके, ये दोनों कंडेंस होते गए होते गए होते गए, एक मोमेंट में ऐसा आ गया कि बेचारों ने बर्स्ट कर लिया। ठीक है, तो ये हुआ था ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, अब जब यूनिवर्स की बात कर ली, तो यूनिवर्स के बाद आप क्या कहते हो, व्हाट डू यू से। ओके, गैलेक्सी। ओके, सबसे पहले आप जब स्पेस की बात करते हो ना, तो सबसे पहले आप देखते हो यूनिवर्स, दूसरा आप देखते हो गैलेक्सी। ठीक है, तो पहले यूनिवर्स बन गया, तो यूनिवर्स के अंदर आपको क्या मिलेगा बेटा, आपको मिलेगा गैलेक्सी। ओके, विच इज आवर गैलेक्सी, कैन एनीबडी टेल मी। हम जो रह रहे हैं, जिस प्लैनेट में रह रहे हैं, वो एक सोलर सिस्टम में बना है। ठीक है, एक सोलर सिस्टम है जिसमें अर्थ है, अर्थ के एक कंट्री है, ओके, कॉन्टिनेंट है एशिया, एशिया में हम लोग बैठे हैं इंडिया। ठीक है, तो गैलेक्सी का नाम है बेटा, वेरी गुड, कृष्णा एंड भावनगर। ठीक है, इसका नाम है मिल्की वे। ठीक है, मिल्की वे इज दैट गैलेक्सी जिसमें हम लोग अभी रिसाइड कर रहे हैं। ओके, आप अब कहोगे मैम मिल्की वे तो ठीक है, अब जैसे बिग बैंग थियरी है, ऐसा कुछ थियरी है क्या जिसपे हम ओरिजिन ऑफ गैलेक्सी जान सकते हैं। बिल्कुल है बेटा, आपके सिलेबस में नहीं है, बट आप इंटरेस्टेड हो तो इस पे आप गौर करो और थोड़ा पढ़ो। नेबुला हाइपोथेसिस कहते हैं उसको। ओके, नेबुला हाइपोथेसिस कहते हैं, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन स्टडी अबाउट इट। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ गैलेक्सी या फिर मिल्की वे के बारे में आप जानना चाहते हो तो आप बिल्कुल इस पे वर्क कीजिए। ठीक है, तो बेटा ऐसे बहुत सारे गैलेक्सीज हैं। ओके, नॉट जस्ट अवर मिल्की वे, ऐसे बहुत सारे गैलेक्सीज हैं, उसमें कई सारे सोलर सिस्टम्स होंगे, उसमें कई सारे प्लैनेट्स होंगे, कई सारे एलियंस होंगे। सी, दिस इज अनइमेजिनेबल, हम लोग इसको हमारे क्या कहते हैं ना, हम इस छोटे दिमाग से नहीं समझ सकते, इतना बड़ा ये ब्रह्मांड है। ठीक है, बहुत बहुत बड़ा। ओके, सो देन वी कम टू ओरिजिन ऑफ अर्थ।
ठीक है, फिर हम कहेंगे कि हाँ भाई ओरिजिन ऑफ अर्थ कैसे हुआ, क्यों, क्योंकि हम लोग अर्थ के निवासी हैं, है ना, तो अर्थ के बारे में हम लोगों को जानना बिल्कुल हक है हमारा और हम जान के ही रहेंगे, राइट। ओके, तो अर्थ बेटा आपकी एनसीईआरटी कहती है 4.5 बिलियन ईयर्स अगो ओरिजिनेट हुआ था हमारा अर्थ, ठीक है। तो ये जो अर्थ ओरिजिनेट हुआ था, तो इस अर्थ में चेंजेस हुए हैं, जिससे कुछ पहले का अर्थ था ना, जिससे पहले जो था 4.5 बिलियन ईयर्स को, तब के कंडीशंस कुछ डिफरेंट थे, और अब जो हम लोग अर्थ में रह रहे हैं, अब का कंडीशन बहुत डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ ओल्डर, ओके ओल्डर, एंड यहाँ पे रीसेंट, तो चेंजेस हुए हैं ना बेटा, डेफिनेटली चेंजेस तो हुए हैं हमारे अर्थ में, तो क्या चेंजेस हुए हैं हम लोग वो यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो जो पुराना अर्थ था, ठीक है, जो तो पुराना अर्थ था, वहां पे हुआ क्या था बेटा, वहां पे देखो एटमॉस्फेयर बिल्कुल नहीं था, जैसे आपकी एनसीईआरटी कहती है नो एटमॉस्फेयर, तो ऐसा हम लोग नहीं कह सकते कि नो एटमॉस्फेयर, कुछ तो हुआ होगा, तो इसलिए मैं सेंटेंस दे रही हूँ रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। ओके, आप मुझे पूछो कि मैम रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर क्या है, आप सब केमिस्ट्री के बच्चे हो, आप मुझे समझा सकते हो कि रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग क्या होता है ना, तो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होगा, क्या हो सकता है, आप इसको ऐसे कह सकते हो क्या, हाँ भाई यहाँ पे ऑक्सीजन था या नहीं था, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो नहीं था, ओके, जो ऑक्सीजन है वो एब्सेंट था बेटा, ओके, ये फर्स्ट है, तो फर्स्ट क्या है रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे बिल्कुल ही ऑक्सीजन नहीं था। इसके अलावा क्या था, इसके अलावा यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्म टेम्परेचर था, ठीक है, हॉट टेम्परेचर, बहुत ज्यादा गर्म टेम्परेचर था, बहुत 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 ज्यादा, ओके। और ये गर्म टेम्परेचर हुआ कैसे, अब आप मुझे पूछ सकते हो, हाँ मैम गर्म टेम्परेचर तो था, वेरी हाई टेम्परेचर था, लेकिन हुआ कैसे, ये हुआ बहुत सारे वॉल्केनिक एरप्शन से, ओके, तो बहुत सारे वॉल्केनिक यू नो एरप्शंस हो गए, आपको पता है वॉल्केनिक एरप्शंस होने से उसके अंदर जो यू नो मोल्टन लावा है वो बाहर निकलता है, वो धरती में बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करता है, आपको क्या दिखता है, हाँ भाई कुछ पहाड़ जैसा है, उसके अंदर से लावा निकल रहा है, लेकिन वो देखने में ऐसा नहीं होता बेटा, जो अंदर है ना उसके अंदर बहुत ज्यादा गहरी यू नो डीप इनसाइड वहां पे मोल्टन लावा होता है और बहुत ज्यादा गर्मी प्रोड्यूस करता है, यू नो बहुत बहुत ज्यादा गर्मी, ठीक है। तो ये सारे केसेस थे। इनके अलावा देखो वॉल्केनिक इरप्शंस तो हो रहे थे, इनके अलावा लाइटनिंग बहुत हो रही थी, लाइटनिंग का मतलब क्या है, जैसे गरजना, ओके, चमकना और गरजना, ये बहुत ज्यादा हो रहा था वहां पे, ठीक है, तो लाइटनिंग बहुत था, गरजना बहुत हो रहा था, ये सब चीजें हो रही थी जहां पे लाइफ नहीं थी, लाइफ की बात ही नहीं है, ओके। तो ये जब अर्थ बना था, तो ये सारे कंडीशंस आप देख सकते हो, जहां पे ऑक्सीजन नहीं था, बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं था, गर्म टेम्परेचर गर्म था, वॉल्केनोज बहुत सारे थे, बार बार चमक रहा था, ठीक है। तो अब रिसेंट में क्या चेंजेस हुए, ये आप मुझे बता सकते हो, ठीक है, ये आप मुझे बता सकते हो, जो रिड्यूसिंग एटमोसफियर तब था, अब ये चेंज हो गया ऑक्सीडाइजिंग में, क्या हम कह सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग, क्यों, क्योंकि आपके पास ऑक्सीजन है बेटा लेने को, है ना, तो फ्री ऑक्सीजन है, आप इस ऑक्सीजन को लेके आप सरवाइव कर रहे हो, राइट, ऑक्सीजन इज अ वेरी की यू नो सब्सटेंस जिससे आप जिंदा रह रहे हो, ठीक है, ये प्रेजेंट है, ये अभी हमारे पास है और हम जिंदा रहने का एक बहुत बड़ा रीजन भी है, ठीक है। और टेम्परेचर, टेम्परेचर बताओ क्या इतना गर्म है कि आप पैर नहीं रख सकते, बिल्कुल नहीं, इतना गर्म नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो सुकून से जिंदगी काट रहे हैं, वो अलग बात है कि नेचर ने हमको ठंडा करके दिया, हम इसको फिर से गर्म कर रहे हैं बाई ग्लोबल वार्मिंग एंड बाई यूजिंग मेनी अदर यू नो CFCs एंड वो सारी चीजें यूज करके हम फिर इसको गर्म कर रहे हैं, वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन कंपेयर टू दैट ओल्डर अर्थ, आपका जो है ना वो बहुत लेस टेम्परेचर में है, मतलब फेवरेबल कंडीशन में है, ठीक है, लेस टेम्परेचर में है। एंड वॉल्केनिक इरप्शंस क्या आप देखते हो, इतने सारे वॉल्केनिक इरप्शंस इंडिया में हो गया, इंडिया में 6-7 जगह ऐसे ऐसे करके, नहीं ना बिल्कुल नहीं, वॉल्केनिक इरप्शंस जो है वो बहुत ज्यादा कम हो गए हैं, यूजुअली आपके आप रिसेंट ईयर्स में देखो तो कुछ ही कंट्रीज हैं जहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शंस आप देख सकते हो, ठीक है, चलो। और लाइटनिंग तो बेचारी कभी कभी होती है, जब बरसात होने की चांस होती है, जब गरजता है सिर्फ तभी लाइटनिंग होती है, ओके, उस टाइम पे बहुत सारी लाइटनिंग हुआ करती थी, मतलब इररेस्पेक्टिव ऑफ टाइम, इररेस्पेक्टिव ऑफ यू नो डेज, बार बार हो रही थी, बट अब नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत कम लाइटनिंग आपको देखने को मिलती है, ये चेंजेस हुए हैं हमारे अर्थ में तब को और अब को, ठीक है। आपका एनसीईआरटी पूछ सकता है कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कब हुआ था, तो आप लिखोगे आंसर 20 बिलियन ईयर्स अगो, ओरिजिन ऑफ अर्थ कब हुआ, तो आप लिखोगे 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, ये याद रखना है।
तो हो गया भाई, अर्थ तो ओरिजिनेट हो गया, यूनिवर्स भी बन गई, गैलेक्सी भी बन गई, हमारा अर्थ भी बन गया। तब लाइफ को भी तो लाना है अर्थ में, है ना? तो लाइफ कैसे बनी? तो ये एक साइंटिफिक अप्रोच है जो आपकी एनसीईआरटी ने दिया है और एक्सेप्टेड भी है, ठीक है? तो यहाँ पे हुआ क्या था, देखो, फर्स्ट सेंटेंस लिखा है, अर्थ वॉज फॉर्म्ड लाइक 4.5 years ago, सॉरी बिलियन ईयर्स अगो। हाँ, अभी अभी हम लोगों ने इसको देखा है ना, जस्ट नाउ वी सॉ दैट। इसके अलावा क्या हो रहा है, देखो सेंटेंस आया है, और ये एनसीईआरटी का सेंटेंस है, देर वॉज नो एटमोसफियर ऑन अर्ली अर्थ, ठीक है? नो एटमोसफियर का मतलब है क्या था बेटा, वहां पे रिड्यूसिंग एटमोसफियर था, जहां पे ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी थी, ठीक है? एंड देन दिस इज वाटर वेपर, यू नो, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया रिलीज्ड फ्रॉम मोल्टन मास कवर्ड द सरफेस। तो मोल्टन मास किसकी बात हो रही है बेटा, देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपके समझने के लिए। एक वॉल्केनो था, एक नहीं बहुत सारे एक्चुअली, ओके, वॉल्केनो एरप्शंस हुए, इन वॉल्केनो एरप्शन से बहुत सारा मोल्टन लावा निकला, ठीक है? मोल्टन लावा निकला, तो इन लावा की वजह से, इन मोल्टन मास की वजह से कितने सारे चीजें रिलीज हुई, इससे रिलीज हुआ था बेटा, देखो वाटर वेपर्स रिलीज हो गए थे, ठीक है? उसके अलावा रिलीज हुआ था मीथेन, इसके अलावा रिलीज हुआ था कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। ये सारी चीजें हमारे मोल्टन मास, दैट इज वॉल्केनिक एरप्शन से रिलीज हुए थे, ठीक है? तो अब ये क्या हुआ, देखो इस अर्थ पे क्या था बेटा, उस टाइम पे यूवी रेडिएशन का प्रोटेक्शन नहीं था, दैट मीन्स ओजोन नहीं था। अब जो हम लोग रह रहे हैं ना अर्थ, तो अब इसमें क्या है, बिल्कुल ओजोन का प्रोटेक्शन है, ओके, ओजोन का प्रोटेक्शन है। उस टाइम पे नहीं था, तो क्या हुआ था, यूवी रेडिएशंस बिल्कुल पेनेट्रेट कर रहे थे अर्थ पे। तो इन यूवी रेडिएशंस की वजह से कुछ चेंजेस हो गए। क्या चेंजेस हो गए, तो जो सन से यूवी रेडिएशंस आ रहे थे, उसने क्या किया बेटा, पानी को, ओके, H2O, दैट इज वाटर, वाटर को इसने कन्वर्ट कर लिया हाइड्रोजन में एंड ऑक्सीजन में, ओके, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इसको कन्वर्ट कर लिया। अब ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थे, इनका फेट क्या था, मतलब इनके क्या किस्मत थी, ये जो हाइड्रोजन आप देख रहे हो ना बेटा, ये क्या हो गया, ये बच के निकल गया, मतलब इसका कुछ हुआ नहीं, ये बच के निकल गया, एस्केप हो गया, क्योंकि वो हल्का फुल्का था, एस्केप हो गया। अब बेचारा झांसे में आ गया हमारा ऑक्सीजन। अब इस ऑक्सीजन से हुआ क्या, तो यहाँ पे देखो ये जो ऑक्सीजन है, ये कंबाइन हो गया किसके साथ, ये कंबाइन हो गया, यू नो, अमोनिया के साथ, फिर ये कंबाइन हो गया आपका, यू नो, मीथेन के साथ, ओके? तो ये सारी चीजें कंबाइन होके और क्या बन गई, ये सारी चीजें कंबाइन होके बन गई वाटर, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ ऐसी चीजें बन गई। तो ये सारी चीजें हमारा जो अर्थ है, इसका ओजोन लेयर बनाने में हेल्प कर दिए, ठीक है? तो ये सारी चीजें जो बनी थी ना ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके, इससे ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है? अब जब अर्थ पे, ओके, जो हम कहते हैं ना, तो अर्थ के सराउंडिंग पे जब ओजोन लेयर बन गया, तो यूवी रेडिएशंस जो सन से आ रही थी वो कम हो गया, है ना? तो पेनेट्रेट होना अर्थ पे, इट हैज बीन रिड्यूस्ड अ लॉट। तो जब रिड्यूस हुआ, तो हमारा जो अर्थ था वो गॉट लॉट कूलर, बहुत ज्यादा वो कूलर कूलर होता गया, ठीक है? ठंडा होता गया। तो जैसे ही ठंडा होता गया, तो कंडीशंस ठंडे होते ही क्या हो गया, हमारे धरती पे आप देख सकते हो बहुत सारी वर्षा हुई, ओके? तो बारिश हुई, बहुत ज्यादा बारिश हुई। तो इस बारिश के पानी से, ओके, इस बारिश के पानी से बेटा, आप जो देखते हो ना, आप ग्लोब पे देखो, बहुत कम लैंड है, पानी ज्यादा है ना? तो ये हुआ कैसे, वो पानी जो है ना, जैसे आपका अर्थ जो है ऐसे एकदम गोल आकार में नहीं है, ठीक है? यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े गड्ढे थे, छोटे बड़े मीडियम साइज के, पता नहीं कैसे कैसे गड्ढे थे। तो यहाँ इन सारे गड्ढों में क्या हो गया, जैसे ही यहाँ पे कूलर कंडीशंस आ गए, तो बारिश हुई, ओके, क्लाउड्स बन गए, बारिश हो गई, और वो बारिश का जो पानी है यहाँ पे आके कलेक्ट हो गया। अब ये जो पानी बना है, इनसे हुआ क्या बेटा, इनसे बने ओशंस एंड सीज, जो आप कहते हो ना ओशन सी, एक ही बात है, बट स्टिल ओशन बन गए, सी बन गया, ठीक है? तो सारा जो वाटर आप देखते हो ना एक ग्लोब के ऊपर, ये सारी चीजें बन गई। अब हुआ क्या, अब हुआ क्या, ओशन तो बन गए, आप सब लोगों को पता है, हाँ भाई, प्रिमिटिव लाइफ जो बनी थी वो वाटर से ही बनी थी। तो अब आप कह सकते हो कि हाँ भाई, ओशन बन गए, तो ओशन से फर्स्ट लाइफ फॉर्म स्टार्ट हुआ होगा। लेकिन कैसे, क्या हुआ होगा वहां पे, देखो बेटा, बहुत सारे लोग कहते हैं ये जो फर्स्ट ओशन बना था ना, इसको एक नेम दिया है इन लोगों ने। क्या नेम दिया इसको, इन्होंने नेम दिया है बेटा, हॉट डाइल्यूट सूप।
ओके, इसको ये कह देते हैं हार्ट डाइल्यूट सूप। इसका दूसरा नाम है हार्डेन। ओके, तो इसको दूसरा इन्होंने दिया हार्डेन सूप, क्योंकि इस हार्डेन ने ही इसको बताया था। ठीक है, हार्डेन सूप, एक फर्स्ट हॉट डाइल्यूट सूप, दूसरा हार्डेन सूप, थर्ड जो है प्रीबायोटिक सूप। ठीक है, प्री जहां कहीं भी आता है तो जान लो पहले की बात हो रही है। ओके, फर्स्ट, प्री मीन्स प्रिमिटिव, आगे, पहले। ठीक है, तो प्रीबायोटिक सूप है या फिर हार्डेन सूप है या फिर सॉरी हॉट डाइल्यूट सूप, तो ये इसको कहते हैं। ठीक है, आप इसके नेम से जान सकते हो कि प्रीबायोटिक सूप का मतलब क्या है, लाइफ बनने से पहले का जल, दैट इज सूप। ठीक है, तो ये ओशंस को हम क्या कह रहे हैं, प्रीबायोटिक सूप। ठीक है, तो अब इस प्रीबायोटिक सूप में हुआ क्या, बहुत ज्यादा करामात हुई। मतलब यहाँ पे इतने सारे रिएक्शंस होते गए होते गए होते गए, बहुत सारे रिएक्शंस होते गए, और इन रिएक्शंस के होते 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 क्या हो गया बेटा, हमको प्रिमिटिव जो है वो लाइफ फॉर्म मिल गई, और जो हमारा जो ओशन का पानी है वो क्या हो गया, सॉल्टी हो गया। ओके, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि हाँ मैम, ओशन का पानी खारा क्यों होता है या फिर नमकीन क्यों होता है, क्योंकि इतना ज्यादा यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुए हुए हैं उस टाइम पे, वो एक रीजन है। उसके अलावा भी, ओके, उसके अलावा भी आप आगे जाके इनको पढ़ोगे कि बहुत सारे रीजंस हैं ओशंस को सॉल्टी होने में। ठीक है, बट आपका जो यहाँ पे मेन इंटरेस्ट होना चाहिए कि इसको कहते क्या है प्रीबायोटिक सूप, और यहाँ पे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हुए थे। ठीक है, तो आई होप दैट्स उतना आपके लिए यहाँ पे काफी है। ठीक है, चलो, तो अब हम लोगों ने बेटा आपकी एनसीईआरटी में जितना दिया था उतना तो पढ़ लिया। ठीक है, ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए इतना काफी है। अब देखो बेटा, कुछ ओरिजिन ऑफ लाइफ आप कह सकते हो, आप एक थियोरी दोगे, मैं कहूंगी मैं एक थियोरी दूंगी। अब बाजू हमारा पड़ोसी आएगा, वो बताएगा अरे नहीं आपका दोनों का गलत है, मैं कुछ और थियोरी देता हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग आए, ओके, थियोरी देते गए। ठीक है, जब लोगों को पता नहीं था। देखो, अब तो हम लोग एक मॉडर्नाइज्ड टाइम में रह रहे हैं बेटा, जो सब कुछ यहाँ पे हो गया है। ठीक है, साइंटिस्ट्स ने बहुत सारे डिस्कवर कर लिया है, उन्होंने सब इन्वेंट कर लिया है बहुत सारी चीजें, तो इस टाइम पे हम लोग रह रहे हैं। तो ये उन टाइम की बात हो रही थी जब बिल्कुल ये कुछ भी इन्वेंट नहीं हुआ था, डिस्कवर नहीं हुआ था, तो तब लोगों को करने के लिए कुछ काम तो था नहीं, तो बैठ के सोचते थे कि हाँ क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे थियरीज हैं जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला थियरी है, ओके, स्पेशल क्रिएशन का। ओके, स्पेशल क्रिएशन, तो स्पेशल क्रिएशन क्या है बेटा, स्पेशल क्रिएशन क्या है, तो यहाँ पे क्या कहा जाता है, ओके, यहाँ पे कहा जाता है जो स्पेशल क्रिएशन का, जो फर्स्ट मैं बताती हूँ, ये थियरी है, इस थियरी को दिया था फादर, ओके, फादर सौरेज ने। ओके, फादर सौरेज बोल के एक पर्सन है। फादर मतलब वो आपको पता है ना, जो होते हैं चर्चेस में, तो वो फादर सौरेज थे। ठीक है, इन्होंने बताया कि ओरिजिन ऑफ लाइफ ने किया गॉड, गॉड एक है जो सुपर पावर है, सुपर नेचुरल पावर है, उन्होंने ये पूरा धरती बनाया, इंसान बनाए, पूरा ब्रह्मांड बनाया, जो कुछ भी है उन्हीं से है, उनके अलावा कुछ है ही नहीं, तो सब कुछ इन्होंने बताया। और इन्होंने क्या बोला, एक्चुअली दिस इज इन बाइबल ऑल्सो, ओके, ये बाइबल में भी है। तो 6 दिन में दुनिया बनी। ठीक है, 6 दिन में क्या कहते हैं, ये दुनिया बनी, जैसे पहले दिन में बना था यूनिवर्स, दूसरे दिन में बना था गैलेक्सी, तीसरे दिन में बना था अर्थ, चौथे दिन में माउंटेन्स और वैलीज बन गए, फिर 5वें दिन में जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं, ओके, मतलब ह्यूमंस के अलावा जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो बन गए। लास्ट 6th डे में उन्होंने बनाया एडम एंड ईव को। ओके, एडम एंड ईव को बनाया था 6th डे में, तो ये बाइबल कहती है, और ये स्पेशल क्रिएशन का फादर सौरेज ने थियरी दी थी। ठीक है, दिस इज ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओके, अब ये तो हो गया बेटा एक सुपर नेचुरल थिंग, या फिर आप कह सकते हो कि हाँ भी एक बिलीफ की बात है, लेकिन साइंटिफिक अप्रोच चाहिए हम लोगों को, क्यों, हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, वी ऑल नीड साइंटिफिक अप्रोच। तो और बहुत सारे लोग आए, एक और बंदा आया था जिसका नाम था कुवेर। ओके, तो इसने बताया कि कैटास्ट्रोफिज्म हुआ होगा। ओके, तो इसने क्या बताया, कैटास्ट्रोफिज्म। तो व्हाट इज कैटास्ट्रोफिज्म, ओके, कैटास्ट्रोफिज्म मतलब जब कभी भी, मतलब ये भी गॉड के रिलेटेड ही है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया, जब भी धरती में बहुत ज्यादा कुछ अनबैलेंस्ड हो जाता है, मतलब एक्सट्रीम कंडीशन में हो जाता है, तो तब उस ऑर्गेनिज्म को या फिर उस पूरे पॉपुलेशन को एराडिकेट कर दिया जाता है या मार दिया जाता है, ताकि दूसरी आए।
ओके, दूसरी एक पॉपुलेशन आए और अच्छे से बैलेंस्ड जिंदगी गुजारे, ठीक है। इसको किसने दिया था? क्यूवियर इसका नाम है, ठीक है। तो इसने कहा था कि यहाँ पे मास एक्सटिंक्शन होता है, ओके, मास एक्सटिंक्शन। तो ऐसे करके बहुत सारे एक्सटिंक्शन हुए हैं, ओके, लिटरली हमको पता नहीं है इतने सारे एक्सटिंक्शन हुए हैं ये कहते हैं, ओके। और इनमें जो रीसेंट एक्सटिंक्शन है ये आप कह सकते हो डायनासोर्स का, ओके, डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन हुआ था जो रीसेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था बेटा, मतलब लिटरली जो आधा अर्थ है वो हिल गया था, एक मीटोराइट आया और उसने हिट किया अर्थ को, ठीक है, और बहुत सारे डायनासोर्स मर गए और सारे के सारे अब वो फॉसिल बन के पड़े हैं। कोई भी लाइव डायनासोर आप नहीं देख सकते, अभी सारे के सारे एक्सटिंक्ट हो गए। अभी कुछ देखने मिलेगा तो उनका फॉसिल्स या फिर बोन्स, इतना ही देखने को मिलेगा, ओके। तो डायनासोर्स का मास एक्सटिंक्शन हुआ, और ये हुआ कैसे, मीटोराइट आके गिरा कैसे, ये सारा ये कहता है कि हाँ इसने, गॉड ने किया। क्यों? क्योंकि ये डायनासोर बहुत ज्यादा तबाही लेके आए थे, और लिटरली अगर ये चलते फिरते तो मतलब अर्थ हिलती थी, ऐसा कुछ इनका कहा जाता है, ठीक है। तो इनको मार दिया ताकि एक दूसरी लाइफ आए और वो बैलेंस्ड तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारे। ये एक टाइप का थियोरी है ओरिजिन ऑफ लाइफ का, विच इज कैटास्ट्रोफिज्म। तीसरा थियोरी है, ओके, यहाँ पे अगर कोई भी, यहाँ पे और एक मुझे बात बतानी थी कैटास्ट्रोफिज्म में, ओके। तो जब आपने नोवा का सुना होगा, ओके, नोवा इज अ प्रॉफिट, ओके, तो वो भी एक प्रॉफिट हैं, जो हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में इसका हुआ है डिस्कशन, ठीक है। तो नोवा के टाइम पे क्या हुआ था ना, नोवा एक मैसेंजर है, उन्होंने लोगों को बताया था कि अब देखो आप लोग बहुत ज्यादा हद से ज्यादा आपने गलत कर रहे हो, बिल्कुल अच्छे चीजें नहीं कर रहे हो, आप ये सब रोको, अगर नहीं रोकोगे तो भगवान का कहर आएगा, आप सब लोग मारे जाओगे, ओके, मारे जाओगे। तो लोग सुने नहीं, हुआ नहीं। तो नोवा ने क्या किया, एक बहुत बड़ी आर्क बनाई, मतलब एक इतनी बड़ी शिप बनाई, और उस शिप में उसने क्या किया, हर धरती का जो हर एक स्पीशीज है उसके दो मेल और फीमेल को उसने शिप के अंदर ले लिए, ठीक है। तो लिटरली सारे मेल और फीमेल, जैसे जिराफ है मेल फीमेल, लायन है मेल फीमेल, क्योंकि वो रिप्रोड्यूस करके और नेक्स्ट पॉपुलेशन बना सकते थे। तो ये भी एक यहाँ पे मुझे बताना अच्छा लगा तो मैंने बताया। तो हुआ भी, उसके इसके इवेंट्स हैं और उसका प्रूफ भी है, ओके। तो पता नहीं ये कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन है भाई, चीजें तो हुई हैं, ओके, अब भगवान ही जाने, ओके। तो नेक्स्ट थियरी इज एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल या फिर कॉस्मोजोइक कहते हैं, या पैनस्पर्मिया। आपकी एनसीईआरटी ने दिया है इसका नाम पैनस्पर्मिया, ओके, पैन स्पर्मिया, या फिर इसको आप ऑल्सो कह सकते हो कॉस्मोजोइक, ओके, कॉस्मोजोइक भी कह सकते हो, और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, ओके। तो यहाँ पे इस थियरी को दिया था अरहेनियस ने, ओके, अरहेनियस एक है अंकल हमारे, ओके, हमारे मतलब आपके भी हो सकते हैं, मेरे मेरे सगे अंकल तो है नहीं, ठीक है। तो अरहेनियस भाई ने इसको दिया था, ओके, इस थियरी को दिया। और इन्होंने बताया क्या, देखो हम सारे एलियंस हैं, इन्होंने बताया हम लोग सारे एलियंस हैं, हम इस धरती के हैं ही नहीं। इनका कहना था कोई एक हमारी अर्थ के बाहर कोई एलियंस हैं, वो चाह रहे थे कि अर्थ में लाइफ आए, तो उन्होंने क्या किया, स्पोर्स को, सीड्स को, स्पर्म्स को हमारे अर्थ पर ड्रॉप करके निकल गए, ओके, स्पर्म्स को हमारे अर्थ पे ड्रॉप कर लिए, और ड्रॉप करने के बाद निकल गए। तो इन स्पर्म, स्पोर्स और सीड्स की वजह से हमारी लाइफ फॉर्म क्रिएट हुई, और उससे हमारा जो भी है वो इंसान बना या ऑर्गेनिजम्स बने, ये एक है जो कि बहुत मतलब क्या बताऊं, चाइल्डिश है, बट हुआ भी होगा किसको पता है, ओके, बट वी डोंट अग्री टू दिस, ओके, कोई भी इसको अग्री नहीं करता, ठीक है। ये एक हो गया। दूसरा, अब यहां से देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग जान रहे हैं, दूसरा है ए बायोजेनेसिस, ओके, ए बायोजेनेसिस। तो ए बायोजेनेसिस को किसने दिया था, अरिस्टोटल ने दिया था, ठीक है। तो अरिस्टोटल ने दिया ए बायोजेनेसिस के थियरी को। इसमें इन्होंने क्या बताया, जो लाइफ ओरिजिनेट हुई थी वो डेड एंड डीकेइंग मैटर से हुई थी, ओके, तो वो क्या हुई थी, डेड एंड डीकेइंग मैटर से हुई थी। हालांकि इसको रॉन्ग प्रूव भी कर लिया था लुईस पाश्चर ने, लुईस पाश्चर ने बायोजेनेसिस का थियरी दिया, उन्होंने बताया कि अरे क्या चाइल्डिश बातें कर रहे हो, देखो। तो उन्होंने इसको प्रूव भी किया और इसको ठीक से कर लिया अभी, ठीक है। तो एक था एबायोजेनेसिस, दूसरा पांचवा आता है बायोजेनेसिस, इसको थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में, ओके, बायोजेनेसिस। और बायोजेनेसिस ने क्या बताया बेटा, बायोजेनेसिस इज गिवन बाय लुई पाश्चर। तो इन्होंने बताया जो लाइफ एग्जिस्ट कर रही है इसका कोई प्री एग्जिस्टिंग लाइफ होगा,
ओके, तो जो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ है उसके थ्रू हमको जो आज लाइफ देख रहे हैं उसको मिला है, जैसे फादर से बेटा, फिर बेटा से ग्रैंडसन, ग्रैंडसन से ग्रैंड ग्रैंडसन, ऐसा कुछ हुआ होगा, ठीक है। तो बट इन्होंने ये नहीं बताया कि जो प्रीमिटिव एग्जिस्टिंग लाइफ जो है वो कैसे बनी, ये इन्होंने बताया नहीं लुईस पाश्चर ने। तो इस प्री एग्जिस्टिंग लाइफ को और डिटेल से जानने के लिए ना एक दूसरा थियोरी बना था, वो है केमिकल एवोल्यूशन, ठीक है। केमिकल एवोल्यूशन की थियोरी में आप जान सकते हो जो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, मतलब जो फर्स्ट लाइफ बनी, ठीक है। तो फर्स्ट लाइफ कैसे बनी, क्या केमिकल रिएक्शंस हुए, उससे एक फर्स्ट लाइफ बनी, तो उस लाइफ से फिर वो कंटिन्यू होते गए जनरेशन टू जनरेशन, और रिप्रोड्यूस होते होते लाइफ बन गई। तो ऐसे सारे थियरीज हैं, जो लास्ट का जो बायोजेनेसिस है और केमिकल एवोल्यूशन है, दीज आर एक्सेप्टेड थियरीज फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है। तो इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो यही मैंने जो बताया वही चीजें यहाँ पे दी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेटा, हम लोग आते हैं यहाँ पे, तो व्हाट इट सेज, जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। ए बायोजेनेसिस की थियोरी को दूसरा नाम है स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ठीक है। यहाँ पे हुआ क्या था, देखो यहाँ पे हुआ क्या था, ही का मतलब है यहाँ पे लुईस पाश्चर, ओके। तो इसको दिया था किसने, एज आई हैव टोल्ड यू, दिस वाज गिवन बाय एरिस्टोटल, ओके। एरिस्टोटल जी ने इसको दिया था। तो इन्होंने क्या बताया था कि डेड एंड डीकेइंग मैटर से ऑर्गेनिजम्स बने, लेकिन इसको डिसअप्रूव किया लुईस पाश्चर ने। बेटा लुईस पाश्चर को बहुत अच्छे से याद रखो, आप पाश्चराइजेशन प्रोसेस जो पढ़ते हो ना, जैसे वाइन मेकिंग में या फिर ब्रूविंग में, तो यहाँ पे पास्चराइजेशन होना बहुत जरूरी है। और जो हम लोग डिसइनफेक्ट करते हैं ना, पानी को गर्म किया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर गए, अब ये डिसइनफेक्ट हो गया, आप इसको पी सकते हो, ये सब चीजें तो लुई पास्चर ने दी थी। और हम लोग माइक्रोबायोलॉजी में, मतलब इनका बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि अब हम लोग कुछ भी एक स्टेराइल मीडियम बना रहे हैं, तो उसको स्टेराइल करने के लिए भी इन्होंने ही बताया था, ठीक है। तो जैसे स्टेराइल न्यूट्रिएंट अगार मीडियम बन गया, ये तो कोई स्टेराइल ब्रॉथ है, कोई भी एक मीडियम है, तो इनका ही वो रोल था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया कि लाइफ जो है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आती है, ये इनका कहना था। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने क्या बताया, देखो बेटा यहाँ पे इन्होंने एक फ्लास्क ले लिया, ठीक है। यहाँ पे देखो, एक फ्लास्क लिया, फ्लास्क में पानी डाला, ओके, और उसको बॉइल किया, ओके, उसको बॉइल किया और कुछ टाइम के लिए वेट किया, और देखा कि इस फ्लास्क में बिल्कुल कुछ भी ग्रो नहीं हुआ था, ठीक है। तो फर्स्ट फ्लास्क में कुछ भी ग्रो नहीं हुआ था, इसका मतलब क्या है, जो भी पानी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे वो मर गए, ठीक है, दे हैव बीन डाइड। तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे वो चले गए, तो यहाँ पे बिल्कुल ग्रोथ नहीं हुई। तो नेक्स्ट जो इन्होंने किया था एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे क्या किया, पानी लिया, बॉइल किया, ठीक है। फिर उसमें क्या किया इन्होंने, ये जो फ्लास्क का जो पाइप है ना, ट्यूब, इसको इसने तोड़ दिया। अब क्या हुआ, यहाँ पे एयर अंदर घुसी, ठीक है, हवा अंदर घुसी, तो हवा में क्या होगा, एयरबॉर्न माइक्रोब्स होंगे, तो वो माइक्रोब्स इसके अंदर गए, और यहाँ पे क्या होगा, मीडियम है, ग्रोथ मीडियम है, तो माइक्रोबियल ग्रोथ तो होगा ही, ठीक है, ग्रो होगा। तो इसके थ्रू इन्होंने बताया कि हाँ भाई देखो, ये डेड एंड डीकेइंग मैटर से नहीं होता, ऐसे होता है। तो इसका दूसरा भी चीज क्या है, यहाँ पे देखो, एक फ्लास्क के अंदर इसने मीट डाला, ओके, और इसको है ना यहाँ पे वुडन कॉर्क से बंद कर दिया, मतलब क्लोज कर लिया। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बिल्कुल फ्लाइस नहीं आए, यहाँ पे मैगट्स नहीं आए। तो अब इसने क्या किया, जो वुडन कॉर्क था उसको हटाया और एक सूती का कपड़ा इसके ऊपर लपेट दिया, उसके माउथ पे, ओके, फ्लास्क के माउथ पे, या फिर जो बॉटल है उसके माउथ माउथ पे। तो अब क्या होगा, इस क्लॉथ के ऊपर सारे मक्खियां आके बैठ गई, यहाँ पे मैगट्स आके बैठ गई, ठीक है। तो वो हो गया। अब तीसरे में इसने क्या किया, वो सूदी का कपड़ा भी निकाल दिया, जो मसलिन क्लॉथ है उसको भी निकाल दिया। तो अब क्या हो गया, फ्लाइस उसके ऊपर आके बैठे। तो इसका कहने का मतलब है कि डेड एंड डीकेइंग मीट से फ्लाइस नहीं बने या मैगट्स नहीं बने, वो बाहर से आके, क्योंकि ये मर गया है, मीट अभी सड़ा गला हुआ है, तो उसको फीड करने के लिए आए हैं, उस डेड मैटर से बने नहीं है, ठीक है, ये इन्होंने कहा, ठीक है। तो ये इन्होंने कहा, तो यहाँ पे देख लो, ही शोड दैट लाइफ डिड नॉट कम फ्रॉम अ किल्ड ईस्ट इन अ क्लोज्ड प्री स्टरलाइज्ड फ्लास्क, बट इन एन ओपन फ्लास्क वेयर लाइफ और माइक्रोब्स अपियर्ड, ठीक है। इट स्टेट्स दैट लाइफ केम आउट ऑफ अ डेड एंड डीकेइंग रॉटिंग मैटर लाइक अ स्ट्रॉ, मड एक्सेट्रा। चलो, तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट थियरी पे, नेक्स्ट थियरी पे, ठीक है। तो थियरी ऑफ बायोजेनेसिस, एज आई हैव टोल्ड यू, इट इज गिवन बाय
बहुत सारे लोगों ने इस पे काम किया बेटा, लेकिन हम लोग ज्यादातर याद करते हैं लुई पैश्चर को ही, ठीक है। तो फ्रांसिस्को रेडी स्पलेनजेनी लुई पैश्चर, ठीक है, इन्होंने क्या बताया, लाइफ ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ बट इट नॉट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ फर्स्ट लाइफ। एज आई हैव टोल्ड यू, मैंने आपको बताया ओरिजिन ऑफ फर्स्ट लाइफ कैसे हुआ उसको इन्होंने नहीं बताया, ओके, लुई पैश्चर ने, ठीक है। तो हाँ, तो यहाँ पे पैन्सपर्मिया मैंने बताया ना कि बाहर से कोई एलियन थे जिन्होंने सीड फेंका, ओके। तो यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं इनको पैन्सपर्मिया में, इसका नाम बेटा याद रखो, ये पूछा जाता है, ओके। तो थियरी ऑफ पैन्सपर्मिया में स्पोर्स को क्या नाम से जानते थे, यूनिट ऑफ लाइफ, ओके, जो ट्रांसफर हुए थे डिफरेंट प्लैनेट से हमारे प्लैनेट अर्थ को, ठीक है, ये हो गया। दूसरा स्पेशल क्रिएशन मैंने बताया ना, वेयर इट स्टेट्स दैट लिविंग एंड नॉन लिविंग वॉज क्रिएटेड बाई सुपर नेचुरल पावर दैट इज गॉड, ठीक है। देन थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन, अब ये है आपका इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो केमिकल एवोल्यूशन को प्रपोज किया था ओपेरिन एंड हार्डेन ने, ठीक है, इन्होंने क्या बताया, हाँ भाई अब क्या कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ जो है वो कैसे बनी, नॉन लिविंग इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनी, ठीक है। तो इन्होंने कहा इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनी, जैसे यहाँ पे देखो आपने मीथेन है, अमोनिया है, वाटर है, शुगर्स, देन दिस बायो मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो इनका क्या कहना था, हाँ भाई बायोजेनेसिस भी ठीक है, ए बायोजेनेसिस मतलब ये पूरा गलत भी नहीं कह सकते, आधा गलत भी नहीं कह सकते, मतलब क्या कहें इसका, तो फर्स्ट जो है वो कहते हैं कि वो ए बायोजेनेसिस है, मतलब जो फर्स्ट लाइफ फॉर्म बनी ना वो ए बायोजेनेसिस थी, लेकिन एक लाइफ फॉर्म बनते ही इसने रिप्रोड्यूस किया और बाकी सारे लाइफ फॉर्म्स बनाए, तो पहला जो है वो ए बायोजेनेसिस से बना है और जो बाकी के सारे हैं वो बायोजेनेसिस से बने हैं, इसको बताया ओपेरिन एंड हार्डेन ने, ठीक है। लेकिन इसको प्रूफ किया किसने, इसको प्रूफ किया यहाँ पे ये दो लोगों ने जिसका नाम है यूरे एंड मिल्लर, ओके। यूरे एंड मिल्लर ने जो ओपेरिन और हार्डिन ने बताया उसको इन लोगों ने प्रूफ किया, ठीक है, इसको इन लोगों ने प्रूफ किया। तो यहाँ पे एक मिनट, इसको जानने से पहले एक और चीज हम लोग जान लेते हैं बेटा, एक और चीज हम लोग जानते हैं मिल्लर का एक्सपेरिमेंट से पहले, हाँ। तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे देखो, तो ओपेरिन और हार्डिन ने क्या बताया था, उन्होंने क्या बताया उसके बारे में यहाँ पे लिखा है, एक सेकेंड, ओके। तो यहाँ पे देखो ओपेरिन एंड हाल्डेन, ठीक है, तो इन दोनों ने क्या बोला बेटा, इन दोनों ने क्या बोला, ठीक है। तो कैसा ओरिजिन हुआ था, क्या हुआ था, देखो हमारे अर्थ में क्या थे, बहुत सारे ऐसे करके एलिमेंट्स थे, ओके, एलिमेंट्स थे जैसे कार्बन था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, या फास्फोरस था, सल्फर था, नाइट्रोजन, ऐसा बहुत सारे करके एलिमेंट्स थे, ठीक है। ये जो एलिमेंट्स क्या हो गए, ये एलिमेंट्स क्या हो गए, वाटर वेपर्स के कांटेक्ट में आके ये रिएक्शन कर गए, ठीक है, इन्होंने रिएक्ट किया थोड़े वाटर वेपर से मिलके, रिएक्ट करके ये कुछ कंपाउंड्स बना लिए, जैसे कुछ बन गया मीथेन, जैसे कुछ बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कुछ बन गया क्या कहते हैं उसको, NH3, ये सारे बन गए, ये कंपाउंड्स बन गए, ठीक है, एलिमेंट्स थे फिर कंपाउंड्स बन गए, ये जो कंपाउंड्स हैं इनसे बन गए कुछ मोनोसैकराइड्स, ठीक है। आप लोग बायोकेमिकल्स तो पढ़े ही हो बेटा, यू हैव स्टडीड द बायोकेमिकल्स, सॉरी बायो मॉलिक्यूल्स, 11th में आप पढ़े हो बायो मॉलिक्यूल्स। मोनोसैकराइड्स में क्या थे बेटा, आप बोल सकते हो कि हाँ मैम अमाइनो एसिड होगा, दूसरा न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड होंगे, और इसके अलावा क्या होगा यहाँ पे, लिपिड या फिर फैटी एसिड्स आप कह सकते हो, फैटी एसिड्स होंगे, दूसरा ग्लिसरॉल, ओके, ग्लिसरॉल। तो ये सारी चीजें मोनोसैकराइड्स की बन गई। अब ये मोनोसैकराइड्स आप याद रखो, ठीक है, सो दीज मोनोसैकराइड्स विल अगेन अंडरगो चेंजेस, ये होंगे पॉलीमराइजेशन, दीज मोनोसैकराइड्स विल अंडरगो पॉलीमराइजेशन, ये पॉलीमराइजेशन करके क्या बनते हैं, ओके, ये बनाते हैं बायो मॉलिक्यूल्स। विच आर दोज बायो मॉलिक्यूल्स, अमाइनो एसिड से कौन बनता है, ओके, अमाइनो एसिड्स के पॉलीमराइजेशन से प्रोटीन बनता है, न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमराइजेशन से क्या बनेगा, डीएनए या फिर आरएनए बनेगा, ओके, देन उसके बाद फैट एसिड्स और ग्लिसरॉल से क्या बनेगा, लिपिड बनेगा, है ना, ऐसा करके पॉलीमराइजेशन हुआ और बायो मॉलिक्यूल्स बन गए। अब ये जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं,
ओके अब इनका क्या कहना था, ओपेनियन और हॉल्डेन का, ये जो बायोमोलिक्यूल्स बने हैं इनसे वो जो यू नो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ जो कह रहे थे वो बना है। तो ये अब क्या हुआ, यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग। ओके यहाँ पे दो चीजें आती हैं बेटा थोड़ा याद रखने वाली। तो अब बायोमोलिक्यूल्स में ओपेरिन ने क्या किया, ओपेरिन ने क्या किया बेटा, इन्होंने बोला जो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ है वो बने थे को एसरवेट से। ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन मॉड्यूल क्वेश्चंस आप सॉल्व करो या फिर हमारे जो अवंती के मॉड्यूल्स हैं उसमें भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ओपेरिन ने क्या बताया, को एसरवेट्स बने, को एसरवेट्स जो है ये थे फर्स्ट प्रिमिटिव लाइफ। ओके तो इनका क्या कहना है ओपेरिन का, जैसे यहाँ पे देखो ये को एसरवेट है। ठीक है, इस को एसरवेट का जो लेयर है इसमें आप देख रहे हो यहाँ पे पॉलीसैकराइड है। ओके पॉलीसैकराइड है और पॉलीसैकराइड के साथ क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, तो ओपेरिन ने बताया प्रोटीन और पॉलीसैकराइड को मिलके को एसरवेट बने। इन को एसरवेट ही, ये को एसरवेट ही पहला लाइफ फॉर्म बना, इससे बायोजेनेसिस बना, ये ओपेरिन ने कहा, जो कि इसको एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों एक्सेप्ट नहीं हुआ, बिकॉज जो पॉलीसैकेराइड प्रोटीन से को एसरवेट बना ना, ये नॉन रिप्रोड्यूसेबल था। आप इसको कैसे भी करो कुछ भी करो ये रिप्रोड्यूस नहीं हो रहा था। ओके ये नॉन रिप्रोड्यूसेबल था तो इसीलिए इसको किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, इसीलिए इसको किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो एक हो गया ओपेरिन का दिया हुआ, दूसरा और एक है। ओके जो इसने दिया था, किसने, उसको सिडनी फॉक्स ने। ओके दूसरा है सिडनी फॉक्स। सिडनी फॉक्स बेटा उसका साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, ओके सिडनी फॉक्स, सिडनी फॉक्स ने बेटा बनाया एक स्ट्रक्चर, मतलब ये बेटा उन्होंने आर्टिफिशियली बनाया, ओपेरिन ने आर्टिफिशियली पॉलीसैकेराइड्स प्रोटीन्स को मिला के कोसर्वेट्स बनाया आर्टिफिशियली लैब में। इसी तरीके से सिडनी फॉक्स ने भी आर्टिफिशियली क्या बनाया, इसने बनाया माइक्रोस्फीयर। ओके इसने क्या बनाया बेटा, माइक्रोस्फीयर बनाया। ये जो माइक्रोस्फीयर बनाया ना, इसने क्या किया, इसने क्या किया, इसने पॉलीसैकेराइड्स को मिलाया, फिर प्रोटीन्स को मिलाया, फिर कुछ अमीनो एसिड्स को मिलाया। इसने पॉलीसैकेराइड को, प्रोटीन को, अमीनो एसिड को मिलाया और तो इसको बना माइक्रोस्फीयर। ठीक है, तो माइक्रोस्फीयर, ये कुछ किताबें ऐसे कहती हैं, कुछ किताबें ऐसे कहती हैं कि अमाइनो एसिड को इसने हाई टेम्परेचर में ट्रीट किया, बहुत हाई टेम्परेचर पे ट्रीट किया और इसको इंस्टेंटली प्रोटीन मिल बन गए। तो ये सिडनी फॉक्स ने बताया कि हाँ भाई कोर्स यू नो माइक्रोस्फीयर की वजह से फर्स्ट जो लाइफ है वो शायद बनी होगी। लेकिन इसको भी लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्यों, क्योंकि ये भी नॉन रिप्रोड्यूसिबल था। इस स्ट्रक्चर को भी, अगर माइक्रोस्फीयर कहूं तो इस स्ट्रक्चर भी नॉन रिप्रोड्यूसिबल था, तो इसको भी लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो आगे चल के बहुत सारे लोगों ने फर्दर स्टडीज किए और तब जाके हमको पता चला कि इन सारे बायोमोलिक्यूल्स के साथ इनके अंदर लिपिड होना बहुत जरूरी है। अब इन लोगों ने पॉलीसैकेराइड यूज किया, प्रोटीन यूज किया, अमीनो एसिड यूज किया, लेकिन लिपिड यूज किया। तो इन चारों को यूज करने के बाद, ओके विद द प्रेजेंस ऑफ लिपिड क्या हुआ, यहाँ पे जो ये सेल बनाना, सो कॉल्ड सेल, इसमें यू नो बाई लेयर मेम्ब्रेन बना। ओके आपको पता है ना लिपिड बाई लेयर, जिसको हम कहते हैं फ्लूइड मोजेक मॉडल, आपने बेटा पढ़ा होगा फ्लूइड मोजेक मॉडल। तो वो हम लोग कहते हैं यू नो वहां पे होता है, फिर यू नो कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, लिपिड भी होते हैं, कुछ प्रोटीन भी बने होते हैं, उससे ये बाइलिपिड लेयर बनता है। तो ये जो बना लास्ट में, तो ये था बेटा रिप्रोड्यूसिबल, ये था रिप्रोड्यूसिबल। तो इसके थ्रू हमको पता चला कि हाँ भाई जो फर्स्ट लाइफ फॉर्म जो बनी थी वो बनी केमिकल रिएक्शंस के थ्रू। बायोमोलिक्यूल्स बने, सारे मिल गए, पॉलीसेकराइड, प्रोटीन, अमीनो एसिड्स और लिपिड सारे बन के एक स्ट्रक्चर बनाया जिसका लिपिड बायलेयर था और वो रिप्रोड्यूसिबल था। तो ऐसे करते करते लाइफ फॉर्म स्टार्ट हुए। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी ने बहुत कम दिया है, मतलब बहुत छोटा छोटा दिया है, बट इसको मैंने आपको समझना समझाना के लिए यहाँ पे थोड़ा ज्यादा मैंने लिए थे। ठीक है, समझाने के लिए थियरी, तो बेटा इस पे गौर करो, थोड़ा समझो, क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, अब यहाँ पे देख लो, यही लिखा था हाल्डेन एंड सॉरी ओपेरिन एंड इसने। तो यहाँ पे देख लो, द फर्स्ट नॉन सेल्यूलर फॉर्म्स आर ऑफ लाइफ
ओरिजिनेटेड 3 बिलियन ईयर्स अगो। ये किसकी बात हो रही है? फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म, ओके, तो उसकी बात हो रही है। तो वहां पे क्या हुआ था? देर वर सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल्स कंटेनिंग मैक्रो मॉलिक्यूल्स, आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेक्राइड, लिपिड, डीएनए, ये सारे मिलके बने थे। ठीक है, मैंने बताया ना, ये सारे मिलके एक बना कुछ स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं नॉन सेल्यूलर फॉर्म। उसके पास सेल्फ रेप्लिकेटिंग कैपेसिटी थी, तो वो फर्स्ट बना था ए बायोजेनेसिस से, और आगे जाके सारे बायोजेनेसिस से कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो ये सारी चीजें। अब हम लोग आते हैं यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट में। इसको क्या था, यूरे और मिलर? तो इन्होंने इस केमिकल एवोल्यूशन की थियोरी को प्रूव किया। ओके, प्रूव किया इन्होंने यहाँ पे, किया क्या बेटा? ओके, इन्होंने यहाँ पे किया क्या, एक मिनट में, अगर यहाँ पे कोई स्लाइड है तो दिखा देती आपको, स्लाइड नहीं है ठीक है, कोई बात नहीं, तो एक मिनट में ले लेती हूँ बेटा, एक स्क्रीन ले लेती हूँ मैं। ठीक है, बहुत छोटी सी जगह है मुझे ड्रॉ करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, जैसे आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए ले रही हूँ, ओके, तो डोंट जज कि मैडम ने पता नहीं कैसा डायग्राम बना लिया। ओके, बस आपको समझ में आना है तो इसीलिए इसको लिया है ऐसे। यहाँ पे एक कंडेंसर आएगा, फिर ऐसे करके, ऑलराइट। ये एक यूरे एंड मिलर ने बनाया था एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे क्या था बेटा, यहाँ पे हम लोगों ने पानी ले लिया है, जिसको हमने कितना हीट किया, 800 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट किया। ठीक है, तो यहाँ पे पानी हीट किया, ये चीज हो गई। और दूसरा, यहाँ पे हमने बनाया था वैक्यूम पंप। ओके, वैक्यूम पंप। तो आप मुझे पूछोगे, मैम वैक्यूम पंप की जरूरत ही क्या पड़ी हमको? बेटा, वैक्यूम पंप की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि उस टाइम पे जब प्रिमिटिव अर्थ बना था, तो उस टाइम पे एटमोसफियर नहीं था, है ना? हम लोग ने बताया था बहुत रिड्यूसिंग एटमोसफियर था, तो उस टाइम पे हमको कुछ भी नहीं था, वैक्यूम था, तो उस कंडीशन को क्रिएट करने के लिए वैक्यूम पंप। ठीक है, अब वाटर जो बॉइल हुआ था वो ऐसे ऊपर गया, वैक्यूम पंप को उसने क्रॉस किया, और वाटर वेपर्स जो थे वो यहाँ पे मूव करते हुए यहाँ पे पहुंचे। ओके, अब ये क्या स्पेशल चीज है बेटा, इसको हम कहते हैं ओके स्पार्क चेम्बर। ओके, यहाँ पे हम लोग इसको कहते हैं स्पार्क चेम्बर। इस स्पार्क चेम्बर में हमने रखा क्या है? हमने यहाँ पे रखा है इलेक्ट्रोड्स। ओके, वी हैव केप्ट इलेक्ट्रोड्स हियर, हमने रखा है इलेक्ट्रोड्स। अब ये इलेक्ट्रोड्स को हमने दे दिया 75,000 वोल्ट्स का करंट, मतलब कितना ज्यादा हम लोग दे। देखो, मैंने आपको बताया था ना उस टाइम पे कितनी सारी लाइटनिंग हो रही थी, बार बार लाइटनिंग हो रही थी, कितना ज्यादा हॉट टेम्परेचर था। तो उसी टाइप का कुछ सिमिलर हम लोग यहाँ पे कंडीशंस क्रिएट करने की कोशिश की थी। तो अब स्पार्क चेम्बर में हमारा जो वाटर वेपर्स आए, तो वो इस हाई वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को मीट करके कुछ यहाँ पे गैसेस बन गए। क्या गैसेस बन गए यहाँ पे? जो वाटर वेपर्स आए थे, जो वाटर वेपर्स आए थे वो कन्वर्ट हो गए अमोनिया में, कुछ कन्वर्ट हो गए फिर मीथेन में, और कुछ कन्वर्ट हो गए हाइड्रोजन में। ठीक है, तो इसका रेशियो भी आप देख लो बेटा, दिस इज 2:1:2। ठीक है, तो इस रेशियो में यहाँ पे गैसेस बन गए बाय जो वाटर वेपर्स थे उसको स्प्लिट करके। ओके, तो अब ये जो गर्म सा इतना वोल्ट पे, गरम गरम वोल्ट पे जो इंट्रोड्यूस हुआ था वाटर वेपर्स और ये सारे गैसेस, अब ये यहाँ पे आते ही यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं कंडेंसर। अब बहुत ज्यादा गर्म हो गया था ना मामला, तो अब यहाँ पे आके थोड़ा ठंडा होगा। ठीक है, ये कंडेंसर कूल करने के लिए जरूरी है। तो यहाँ पे जो गर्म गर्म था वो यहाँ पे कंडेंसर के थ्रू फिर ठंडा ठंडा हो गया, और यहाँ पे आने के बाद कुछ चीजें यहाँ पे कलेक्ट होना शुरू हो गई। ओके, कुछ चीजें यहाँ पे कट होना शुरू हो गई। तो यहाँ पे क्या कलेक्ट हुई? यूजुअली ये जो प्रोसेस हुआ ना, तो उन्होंने 18 दिन इसको लगाया, मतलब 18 दिन कंटिन्यूअसली इतना ज्यादा टेम्परेचर का पानी, 75,000 वोल्ट्स का करंट दिया। तो इतना सब कुछ देने के बाद इनको 18 दिन के बाद यहाँ पे कुछ इनको मिला। ओके, यहाँ पे कुछ इनको मिल गए बायो मॉलिक्यूल्स।
ठीक है, तो पैरिन और हाल्डन में तो वही बताया था ना बेटा, एलिमेंट से कंपाउंड बने, कंपाउंड से मोनोसैकराइड्स बने, मोनोसैकराइड से क्या कहते हैं वो पॉलीसैकराइड्स, या फिर क्या कहते हैं पॉलीमर्स, मोनोमर्स से फिर पॉलीमर्स ऐसे करके बने, तो वो पॉलीमर्स जो बने थे उनसे लाइफ फॉर्म बनी थी, तो यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स मिल गए। तो इन यूरे एंड मिलर को मिला था अमीनो एसिड, इनको फर्स्ट मिला था अमीनो एसिड, फिर कंटिन्यू करने के बाद दूसरे सारे बायोमोलिक्यूल्स भी मिल गए। ठीक है, तो ये सब कुछ किया यूरे एंड मिलर ने। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, हैरोल्ड यूरे एंड स्टैनली मिलर एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड द थियरी, दे क्रिएटेड अ कंडीशन लाइक द प्रिमिटिव अर्थ विथ हाई टेम्परेचर, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स, रिड्यूसिंग एटमोसफियर विथ ये सारी गैसेस। ठीक है, दे मेड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन अ क्लोज्ड फ्लास्क कंटेनिंग दिस दिस एंड वाटर वेपर एट 800 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देन एज अ रिजल्ट सम अमीनो एसिड्स आर फॉर्म्ड, मैंने बताया ना अमीनो एसिड्स बन गए, द बायो मॉलिक्यूल्स वो बन गए। तो इन सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स अदर ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ शुगर, नाइट्रोजन बेसिस, पिगमेंट फैट, तो बहुत सारी चीजें बन गए। सबसे पहले इनको मिला अमीनो एसिड, उसके बाद एक 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 करके दूसरे सारे भी इनको बायो मॉलिक्यूल्स, पिगमेंट्स, वो फैट्स, वो सारी चीजें मिल गई। ठीक है, तो ये यूरी एंड मिलर एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है केमिकल एवोल्यूशन को। ठीक है, तो केमिकल एवोल्यूशन क्या है, केमिकल एवोल्यूशन ये है जो फर्स्ट फॉर्म्ड लाइफ है वो ए बायोजेनेसिस से बना था। ठीक है, तो वो दिखाता है और बताता है। तो ये सब चीजें हैं बेटा, आपको थियरी समझ में आ गई, इज थियरी इज अंडरस्टूड टू एवरीवन, कृष्णा वलेरी? ओके, 50 हो गया है, शुड यू प्रोसीड और कल करें इसको, प्रोसीड करें या कल किया जाए, बोर हो गए क्या? ओके ठीक है, तो बहुत छोटा सा पार्ट है, इसको हम लोग थोड़ा बहुत देखते हैं, थियरीज ऑफ बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। ओके, तो एवोल्यूशन के भी बहुत सारे थियरीज हैं। एक तो हम लोगों ने अब तक जो थियरीज पढ़े ना बेटा, वो थियरीज थे ओरिजिन ऑफ लाइफ के, ओरिजिन ऑफ लाइफ के थियरीज थे। अब जो हम लोग थियरीज पढ़ रहे हैं ये बायोलॉजिकल एवोल्यूशन का थियरी है। ठीक है, तो इनमें तीन थियरीज आपको बहुत ज्यादा याद रखनी है। फर्स्ट है थियरी ऑफ लेमार्क, जिसको लेमार्किज्म कहते हैं, और या फिर थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर्स भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा डार्विनिज्म थियरी है, फिर म्यूटेशन थियरी ऑफ डी वेरीज, अरे ये तो दिख ही नहीं रहा, डी वेरीज का थियरी है। ठीक है, तो ये सारे तीन थियरीज हैं, आपको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ऑलराइट, तो कोई बात नहीं बेटा, हम लोग इसको कल ही कर लेते हैं, कल कर लें क्या? ओके, आप लोग इतना इंतजार कर रहे हैं तो एक थियरी कर ही लेते हैं। चलो, तो लेमार्किज्म ने क्या बताया, थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर्स ने क्या बताया, इसको प्रपोज किया लेमार्क ने। इट स्टेट्स दैट एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स अकर्ड बाय द इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ठीक है, ये क्या बताया, जो कैरेक्टर्स हैं वो पेरेंट से अक्वायर होते हैं, और वो जो अक्वायर्ड कैरेक्टर्स हैं वो इनहेरिट होते हैं। ओके, इनका ये कहना है। ठीक है, द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स अकर्ड बाय द इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर्स। एक्चुअली मैं सच बताऊं ना, प्रैक्टिकली ये बिल्कुल झूठ है, बकवास है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ा है बेटा। ओके, जो एक्चुअल जीन्स हैं, जो एक्चुअल कैरेक्टर्स हैं, जो जेनेटिकली रिलेटेड हैं, सिर्फ वो इनहेरिट होते हैं, अक्वायर्ड कैरेक्टर्स इनहेरिट नहीं होते। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, फादर को विटिलिगो है, तो उसके बॉडी में कुछ फिजियोलॉजिकल मेटाबॉलिकल चेंजेस होके विटिलिगो आया। विटिलिगो इज अ डिसीज ऑफ यू नो व्हाइट पैचेस। ओके, व्हाइट पैचेस फॉर्मिंग ऑन स्किन, आपने देखा होगा कुछ लोगों को व्हाइट पैचेस हो जाते हैं, वो विटिलिगो डिसीज है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो उसके बेटे पे नहीं जाएगा क्योंकि वो अक्वायर्ड कैरेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अक्वायर्ड कैरेक्टर्स आर डेवलप्ड बाय यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, ये कहता है। ओके, एवोल्यूशन ऑफ यूज ऑफ ऑर्गन में क्या कहता है, एग्जाम्पल दिया जिराफ का। जो जिराफ का लॉन्ग नेक था वो क्यों था, क्योंकि वो कंटिन्यूस एलोंगेशन होता था, क्योंकि लंबी लंबी झाड़ियां हुआ करते थे, उनके पत्ते को खाना था, तो जिराफे जैसा छोटा था वो बड़ा होते गया उसका नेक, क्योंकि उसको पत्तियां होना खाने के लिए बहुत जरूरी थी। ठीक है, तो पत्तियां तोड़ने के लिए जिराफ का नेक ज्यादा हो गया, तो ज्यादा यूज किया नेक को तो नक नेक लंबी हो गई, ये कहते हैं लेमार्क। ठीक है, अब जो चीज यूज नहीं करते
वो डिसअपियर हो गई, जैसे इन्होंने बताया डिसअपियर ऑफ लिम्स इन स्नेक, जैसे हाथ पांव स्नेक के नहीं है, तो ये कहा एवोल्यूशन ने, ओके दिस थियरी वाज एलिमिनेटेड आउट बिकॉज इट इज प्रूव्ड दैट द कैरेक्टर्स आर इनहेरिटेड ओनली थ्रू जीन्स. मैंने बताया ना सिर्फ जीन्स के थ्रू इनहेरिट होते हैं कैरेक्टर्स, ना कि अक्वायर्ड कैरेक्टर्स से. ठीक है, तो आप देखो ये कितना बकवासा लगता है, बट ठीक है उस टाइम पे लेमार्क ने बताया, सोचा कम से कम. ठीक है, तो जो यूज हुई वो बड़ी होती गई, जो यूज नहीं हुआ वो चला ही गया. ठीक है, तो अब देखो बेटा मैं आपको बताती हूँ हमारा जो पिन्ने है, एक्सटर्नल पिन्ने, ओके, जिसको आप कान कहते हो या ईयर कहते हो, वो क्या यूज करता है बेटा? कुछ भी यूज नहीं है उसका. आपको जो एक्सटर्नल पिन्ने है ना, इट डजंट हेल्प टू डू एनीथिंग, उसका कुछ भी फंक्शन नहीं है, बट फिर भी वो प्रेजेंट है हमारे बॉडी में है, तो उसका यूज कुछ नहीं है, तो आप बताओ वो क्या वो एक्सटिंक्ट हो गया, क्या वो चला गया? बिल्कुल नहीं, है ना. तो यूज एंड डिसयूज थियरी को इराडिकेट कर दिया गया, एलिमिनेट कर दिया गया. ठीक है, तो बेटा हम लोग डार्विनिज्म और दूसरा जो डीवेरिस का है वो कल जानेंगे. ठीक है, अगर आपके पास कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं. ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द चैट बॉक्स, अदरवाइज यू कैन लीव. डू यू हैव एनी डाउट्स? जेएनवी भावनगर, आस्था विलारी, ओके, ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास. कल हम लोग आगे पढ़ेंगे बेटा. ठीक है, आई जस्ट वॉन्ट अ रिव्यू, क्या आपको अच्छा लगा पढ़ के एविडेंस, मतलब जो एवोल्यूशन मैंने पढ़ाया है अब तक, आपको अच्छा लगा पढ़ के? फास्ट गई या स्लो गई, कैसे गई? डू यू वॉन्ट मी टू मूव इन दिस स्पीड, यही स्पीड में जाऊं, या और ज्यादा फास्ट जाऊं, और ज्यादा स्लो जाऊं? आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली दिस चैप्टर. मैंने बताया ना, क्योंकि ये चैप्टर बहुत सारे बच्चों को पसंद आता है, कुछ को पसंद नहीं आता, क्या किया जाए अब. चलो ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. ओके, दैट्स ऑल. ऑल राइट, दैट्स ऑल कृष्णा पार्मर. हम लोग बाकी का कल करने वाले हैं. ओके, डार्विनिज्म एंड डिविरिस का कल करेंगे. ओके, अभी मैंने लेमार्क का कंप्लीट कर लिया, बाकी सारा कल. ऑल राइट, ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास, बाय बाय.